मंच पर दिग्गज नेता, दशक दीर्घा में आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का परिवार था। नई जिम्मेदारी की शपथ के लिए परिवार भी साक्षी बना। ये वो पल थे जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। परिवार के लिए क्षण हमेशा के लिए यादगार बन गया। शपथ ग्रहण में एक तरफ मंच पर दिग्गज नेता थे तो दूसरी ओर आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव का परिवार था जो लोगों के साथ शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बना। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल का परिवार भी समारोह में पहुंचा। मोहन यादव की बेटी और पत्नी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। परिवार के मुखिया अब प्रदेश के मुखिया बन चुके हैं। परिवार में खुशी का माहौल है। मोहन यादव की बेटी का कहना है कि ये पल परिवार के लिए हमेशा याद रहेगा। भगवान महाकाल की कृपा बनी रहेगी पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में और पूरे इंडिया में, सभी के लिए बहुत खुशी की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का परिवार भी इस समारोह में शामिल हुआ। पिता को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते देख परिवार बेहद खुश दिखा। राजेंद्र शुक्ल की बेटी का कहना है कि अब जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को, पूरे भाजपा नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतने परिपक्व नेता को इतना अच्छा मौका दिया। वो जरूर इस परीक्षा पर खड़े उतरेंगे और सारे जितने भी बड़े लोग हैं उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। अनबिलीवेबल मोमेंट, बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। उनकी मेहनत फाइनली रंग लाई है, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। बस हम लोग को बहुत खुशी है और उसका हम लोग शब्दों से तो बयान नहीं कर सकते। जिम्मेदारी तो पहले भी थी और अब थोड़ी सी और बढ़ गई है तो उसको पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का परिवार भी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचा। प्रदेश के विकास को लेकर जगदीश देवड़ा की बहू का क्या कहना है, आप भी सुनिए। बहुत खुशी महसूस हो रही है, हम बहुत गर्व है हमें पापा पे कि उनको इतना बड़ा पद मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे वो पहले देश और प्रदेश का विकास कर रहे थे वो आगे भी करेंगे पूरी अपने मेहनत से। शिवराज जी चौहान ने अपना लाडली बहना का योजना जो आरंभ किया वो बहुत बेनिफिशियल था और हम सारी औरतों को और हम सारी महिला को आज एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। इसको डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहिए और योजना को बुलंद करना चाहिए और इससे तो बहुत लाभ हुआ ही है। प्रदेश में अब मोहन यादव के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। नए मुखिया के साथ नई टीम जनता से किए वादों को पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।